हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड क्लीन विद संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक खट्टाई फिश रेसिपी, जो इस गर्मी के दिनों में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये फिश रेसिपी बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में खट्टाई खाना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके पास मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप मेरा ये वीडियो तुरंत देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये रेसिपी कैसे बनाई हूँ, तो इसके लिए हमने लिए हैं स्वीट पम्पकिन। ये पम्पकिन इस तरह से हमने क्यूब करके काट लिए हैं। अब इसके जगह में भिंडी और अरबी और स्वीट पोटैटो ये सब भी ले सकते हैं, या तो चाहे तो आप एकदम प्लेन भी बना सकते हैं, तो आपका वो चॉइस है। मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं पम्पकिन दे के बनाऊंगी। और है लाल मिर्च और हल्दी, नमक, सूखी मिर्च एक, पाँच फोरन हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून से कम शक्कर, और ये है मास्टर सीड पेस्ट, ये हाफ टेबल स्पून है। येलो और ब्लैक कलर का सीड को दोनों का हम पेस्ट कर लिए हैं। और ये है ग्रीन चिली, ये रेड कलर का हो गया इसलिए हमने लिए हैं, तो देखने में अच्छा लगेगा। और पहले से ही हमने फिश को हल्दी और नमक मिला के मैरिनेट करके रख लिए हैं। और ये है सूखा हुआ आम, ये आम को हमने कच्चा आम को इस तरह से काट के नमक मिला के धूप में सुखा के रख देते हैं और साल भर स्टोर कर देते हैं इसको, और ये खराब नहीं होता बिल्कुल। और इसे जब हम यूज करते हैं तो गर्म पानी में इसको डाल देते हैं, थोड़ा टाइम बाद इसे मैश कर देंगे, ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तो ये अच्छा खटाई देगा। इसे दिखाने के लिए हमने ऐसे रखे हैं, ये देखिए देखने में ये ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिश फ्राई करेंगे। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, देखिए धुआं आ रहा है, इसका मतलब कढ़ाई अच्छा से गरम हो गया है। अब हम इसमें फिश डाल देंगे। कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म होना जरूरी है, नहीं तो आपका फिश निकलेगा नहीं। फिश फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। और इसी में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। सूखे मिर्च 5 फोड़न, इसे हल्का सा ऐसे चला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पम्पकिन, पंपकिन को इसे चलाएंगे। दो मिनट मेरा हो गया है। आप इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम, क्योंकि मेरा क्वांटिटी कम है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इतना मिर्ची पाउडर और नमक टेस्ट अनुसार, और ये जो आम है इसे हम ऐसे करके मैश कर लेंगे। ऐसे चलाने के बाद इसमें हम नॉर्मल पानी डाल देंगे। अभी आम वाला पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आम वाला पानी अगर डालेंगे ना तो ये पम्पकिन बॉयल नहीं होगा, थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाएगा, क्योंकि खट्टाई से सब्जी
हार्ड हो जाता है कोई भी खटाई डालिएगा तो पहले सब्जी को मैंने पम्पकिन को बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद जब ये बॉईल हो जाएगा या हाफ बॉईल से ज्यादा हो जाएगा तब हम खटाई डालेंगे। और इसे हम ये मिर्चा डाल देंगे, लाल मिर्च 20 से चीर के, तो इसमें क्या है बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। आप जब इसे गरम गरम चावल के साथ खाएंगे ना तो हरी मिर्च जरूर उस चावल के साथ मैश करके खाइए तो बहुत आपको टेस्टी लगेगा। लेकिन हरी मिर्च जो ग्रीन चिली होता है ना उसको मैश करके जरूर खाइएगा, तब इसका अच्छा सा टेस्ट आता है और ये गर्मी में बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है। फिर इसमें हम डाल देंगे शुगर, तो शुगर डालने से क्या है हल्का सा मिठास रहता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। फिर इसे हम ढक देते हैं 5-7 मिनट के लिए। 7 मिनट हो गया है, अब हम इसे खोलेंगे। गैस को हम मीडियम रख दिए थे, इसका जल्दी पानी सूख जाए इसलिए पानी काफी सूख गया है। हाँ, पम्पकिन जो है ये जो कुमड़ा है ये हाफ बॉयल से भी ज्यादा हो गया है। अब इसी में हम ये मैश किया हुआ जो आम का जो ये पानी है इसे हम डाल देंगे। इसे मैश हमने कर लिया है, अब इसे हम डालेंगे और इसी टाइम हम डाल देंगे मास्टर्ड सीड पेस्ट। और फिश को भी हम डाल देंगे। और 5 मिनट इसे हम ढक के बॉईल कर लेंगे। गैस हमने स्लो कर दिए हैं। अब हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है जैसे झोल हमें चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। देखिए फिश के खटाई रेसिपी मेरा बनके एकदम रेडी है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। आप भी अपने घर पे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।